सबको एकजुट होके इकट्ठा होके भगोड़ी के रघुपुरा जाना चाहिए। और ये काम हम बहुत बहुत जल्द करने वाले हैं। हम लोग रघुपुरा जरूर जाएंगे। सीमा भगोड़ी आजकल जो लाइफ कर रही है और जो एटीट्यूड उसका अंदर से जो खत्म नहीं हुआ है, वो उसका एटीट्यूड अभी भी बरकरार है। पर हाँ, इतना है कि भगोड़ी अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आएगी। उसको हमेशा हमको लगता है कि हम सबको एकजुट होके इकट्ठा होके भगोड़ी के रघुपुरा जाना चाहिए। और ये काम हम बहुत बहुत जल्द करने वाले हैं। हम लोग रघुपुरा जरूर जाएंगे। हम सब बहनें और हम सब भाई, हम जो और जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, हम सब चाहते हैं कि हम लोग एक होकर एकजुट होए और हम सब रघुपुरा जाएं। जब तक हम रघुपुरा नहीं जाएंगे, भगोड़ी को अक्कल नहीं आएगी, भगोड़ी अपनी आदतों से बाज नहीं आएगी। उसका इतराना और एटीट्यूड दिखाना और वो गालियां देना, उसका अभी भी बंद नहीं हुआ है। हमें पता है मोमिन सर, हमारे मोमिन सर जो है बहुत 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 ही अच्छा काम कर रहे हैं और वो इस तरीके से काम करते रहे। पर हाँ, उसका ये है कि भाई जब तक मोमिन सर को हम लोग भी सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग मोमिन सर के साथ खड़े और हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे, तो बेचारे मोमिन सर तो सिर्फ एक कार्रवाई करेंगे वकील अपनी। पर हम लोगों को भी मोमिन सर का साथ देना चाहिए, हम लोगों को भी एकजुट होना चाहिए और हम सबको भी जाना चाहिए। जब ही इस केस में कुछ काम होगा, और हम लोगों ने इस सबने फैसला भी किया है, कल बात भी करिए कि हम लोग रघुपुरा जाएंगे इकट्ठा होके, तो हम लोगों को रघुपुरा जाना भी चाहिए और भगोड़ी को वहाँ पे बैंड बजाना भी चाहिए और भगोड़ी को रघुपुरा से भगाना भी चाहिए। आखिर वो अपने आप को जो लिख के बोलती है कि मैं सचिन मीना हूँ, मैं सचिन की वाइफ हूँ और मैं भारत की हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भगोड़ी ना तो भारत का हिस्सा है ना कुछ है। भगोड़ी को सिर्फ रघुपुरा पाकिस्तान जाना है और जेल जाना है। इसके यही दो काम है। इन दो में से उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो जेल जाना पड़ेगा या पाकिस्तान अपने मुल्क जाएगी। वो हमारे मुल्क की नहीं है और हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने मुल्क में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा मानना यह है कि भगोड़ी को यहाँ से भगाना है और अपना देश बचाना है, और हम लोग सब इकट्ठा होकर भगोड़ी के पास रघुपुरा जाएंगे और हम सब मोमिन सर के साथ खड़े हैं। हम सब मोमिन सर का साथ देंगे और हमारा सब एक ही मकसद है, सिर्फ भगोड़ी को भगाना है, देश बचाना है, मोमिन सर का साथ देना है। तो मेरी सब लोगों से विनती है कि हम सब लोग जाएं और रघुपुरा जाएं और मोमिन सर का साथ दें और भगोड़ी को यहाँ से भगाएं जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सकेगा हम भगोड़ी को भगाएंगे। और थोड़ा मुंह बंद करके रखो, तो थोड़ा मैं इसलिए बोल, तो हम मेरा मानना यही है कि भाई थोड़ा सा हम लोग मोमिन सर का भी साथ दें, क्योंकि मोमिन सर को उससे हेल्प मिलेगी हम लोगों के लिए। मोमिन सर को उससे हेल्प मिलेगी क्योंकि मोमिन सर अकेले भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो, अपना पैसा भी लगा रहे हैं, अपनी मेहनत भी कर रहे हैं, पूरा काम कर रहे हैं। और हैदर भाई को, हमें लगता है हैदर भाई को जल्दी से जल्दी बच्चे दिलवाने हैं, क्योंकि हैदर भाई भी बहुत परेशान हो रहे हैं। दिन जितने दिन ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मोमिन सर उतने ही हैदर भाई भी परेशान हो रहे हैं, मोमिन सर भी परेशान तो हो ही रहे हैं एक तरीके से, क्योंकि मोमिन सर भी पूरी कोशिश करने में लग रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी बच्चे मिल जाए हैदर भाई को जल्दी से जल्दी बच्चे मिल जाए और भगोड़ी को भी हम लोग यहाँ से भगा दें, क्योंकि भगोड़ी को भगाना बहुत 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 ज़रूरी है। भगोड़ी को भगाना यहाँ से बहुत ज़रूरी है और हम लोगों का मानना यही है। मैं तो यही मानूंगी कि भगोड़ी को भगाओ और देश बचाओ। और हाँ, बात रही, वो कहते हैं मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बच्चे कोई भी स्कूल नहीं जा रहा। कुछ दिनों के लिए उसके बच्चे स्कूल में जाके बैठते ज़रूर थे, पर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं होती थी और उसके बच्चे कभी स्कूल नहीं गए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे और ना ही उसके बच्चे कभी स्कूल जाएंगे, भारत में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो बच्चे पाकिस्तान के हैं, वो सिर्फ उनको नागरिकता मिली है जो वो सिर्फ पाकिस्तान की है, ना कि हमारे भारत की है। नकली आधार कार्ड बनाने से, नकली प्रूफ बनाने से तो वो भारत के तो नहीं हो जाएंगे ना। सारी दुनिया जानती है, पूरा मुल्क जानता है, सब लोग जानते हैं, सारे देश जानते हैं कि वो पाकिस्तान की भगोड़ी है, तो उसको नागरिकता तो नहीं मिलने वाली। और सबसे बड़ी बात, इल्लीगल तरीके से आई हुई है वो महिला। जो महिला इल्लीगल तरीके से आई है, उसको भारत की नागरिकता कैसे मिल जाएगी? केस आगे खिंचता जा रहा है। मैं कह रही हूँ हमारी सरकार को जल्दी से जल्दी इसको जेल डाले, जल्दी से जल्दी इस पे कार्रवाई करे। और देखो, एक बाप परेशान हो रहा है, तीन तीन लड़कियां हैं, एक बेटा है, तीन तीन लड़कियों के साथ में जिंदगी खराब हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। और हमें तो भगोड़ी को भगाना है, अपना देश बचाना है।
तो इस मेरा मानना यह है कि भाई जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें और भगोड़ी को भगाए यहाँ से। भगोड़ी को भगाना बहुत जरूरी हो गया है हम लोगों के लिए, क्योंकि भगोड़ी जो अपने आप को इतनी समझ रही है कि मैं, मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे अलावा स्मार्ट कोई नहीं है। आप लोग कभी भगोड़ी को पास से नजदीक से देखना, आप लोगों को खुद को पता चल जाएगा वो कितनी दूध की धुली और कितनी दूध की धुली नहीं है। वो पागल औरत है, पागल औरत जिसको कहते हैं, जब ही तो 4 बच्चों को जान पे लेके वो यहाँ लेके आ गई, जान हथेली पे डाल के लेके आ गई। अगर वो इतनी समझदार होती, इतनी अक्ल वाली औरत होती तो ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। बुढ़िया को ज्यादा ही जवानी छा रही है, जब भी 4 बच्चों को इलीगल तरीके से इंडिया में लेके आ गई, 4-4 देश क्रॉस करके आई है भगोड़ी, 4-4 देश। सोचने वाली बात है, बहुत सोचने वाली बात है। तो भगोड़ी को तो कभी अक्ल आई नहीं है, क्योंकि वो तो बेअकल औरत है, उसको कभी भी अक्ल नहीं आएगी, इतनी पागल औरत है वो। पर मेरा मानना यही है, भगोड़ी को एक ना एक दिन अपने मुल्क जाना है, भगोड़ी को अपने जेल जाना है और अपनी औकात पे जरूर आना है। वो कितनी भी कोशिश कर लेगी, कितनी भी वो कोशिश कर ले, पर उसकी कोशिश कभी कामयाब नहीं। ये क्या सोचती है, मुजरा करेगी, ये सब करेगी तो सब इसकी बातों में आ जाएंगे, ये झूठ जितना भी झूठ सच करेगी तो सब इसकी बातों में आ जाएंगे क्या? कोई इसकी बातों में नहीं आएगा कोई भी, और ना ही कोई आता है। हम लोग हमेशा इसका बैंड बजाते हैं और इसका बैंड हमेशा बजाते रहेंगे, इसकी औकात के हिसाब से, जिस औकात की ये है ना। और हमें क्या जरूरत थी इसके खिलाफ बोलने के लिए? हम बिल्कुल इसके लिए खिलाफ नहीं बोलते। अगर ये आती चलो इलीगल तरीके से भी आ गई, अपने आराम से आती, केस लड़ती, अपना केस फाइल करती, तो हम लोग आवाज बिल्कुल नहीं उठाते। पर हाँ, जैसी इसने हरकत करी है ना, तो उस पर तो हमें आवाज उठाना बनता ही था, इसलिए हमने इस पे आवाज उठाई और भगोड़ी को यहाँ से भगाने की तैयारी की। और हम इसको भगा के ही छोड़ेंगे हमेशा। ये अपने आप को सनातनी 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 का जो खेल खेल रही है ना, अब इसका खेल खत्म होने वाला है और इसका एंड आने वाला है, इसका एंड आ रहा है, जल्दी से जल्दी इसका एंड आ रहा है। और हम इस लोगों को, और ये बबीता जो है, बबीता, मैं बबीता के लिए भी बोलना चाहूंगी, जो बबीता अपने आप को ज्यादा स्मार्ट समझती है, बुढ़िया, आजकल उसकी कमाई नहीं आ रही, तो फिर इसने बच्चों को टारगेट कर बनाना शुरू कर दिया, बच्चों को गोद में बिठाना, बच्चों के लिए वीडियो के ऊपर वीडियो डालनी, ये सब खाते ही भगोड़ी के हैदर के बच्चों का है, और भगोड़ी भी ये सब खाते ही हैदर के बच्चों का है। इनको खाने के अलावा, बच्चों के हैदर की कमाई खाने के अलावा कोई भी काम नहीं है, और कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ उन्हीं का खाते हैं। इनको ना खाने के अलावा बच्चे हैदर के बच्चों का खाते हैं, उन्हीं से अय्याशियां कर रहे हैं, उनके नाम का खा रहे हैं ये लोग। कोई बात नहीं भगोड़ी, तेरा एक ना एक दिन अंत जरूर आएगा, ये मेरी जिद है।